नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने। आज बच्चों के इम्यूनिटी के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। बच्चों को आमतौर पर सर्दी, जुकाम, खांसी ये लगा रहता है। कई लोगों का ये केस आया है हमारे पास और हमने देखा है कि वो लोग जब हमारे पास आते हैं उससे पहले उन लोगों ने बहुत सालों तक एलोपैथी का ट्रीटमेंट ले चुके हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ वही लिपोसिट्रिजिन, कुछ एंटीबायोटिक्स और अंत में स्टीरोइड्स का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता। वो लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों ने उनमें कहा है कि ये इम्यूनिटी कम हो जाने के कारण ये सब हुआ है, वो खुद बोलते हैं इसको। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ दवा इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती। उनका जो इम्यूनिटी डाउन होने का जो सिलसिला है वो बचपन से ही शुरू हो रहा है और ये माँ बाप खुद जिम्मेदार है। बचपन से उनको जो खाना दिया जाता है, जो भी उनको लिक्विड डाइट दिया जाता है, वो सब प्रोसेस्ड फूड है। सारे के सारे उन एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में पड़े जितने भी प्रोसेस्ड फूड है बच्चों को वही देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल फूड्स हैं, पैक्ड फूड्स वही देते हैं बच्चों का, इम्यूनिटी ख़राब करते हैं वो खुद। तो इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप होगा? पहले तो आपको उन सारे चीज़ों को, जितने भी आर्टिफिशियल फूड है, उस सबको बंद करना पड़ेगा। आपको पता है जितने भी लोग दे रहे हैं, 99% लोग यही प्रोसेस्ड फूड देते हैं बच्चों को। शुरुआत के जो एक दो साल तीन साल तक उनको ये कंटिन्यूसली दिया जाता है, उनकी इम्यूनिटी ख़राब होती है और भी उनको 10-15 बीमारी अटैक कर लेती है। वरना हमने 10-15 साल पहले ये नहीं सुना था कि किसी बच्चों को इतना हाई एंटीबायोटिक्स दी जाए या फिर इनहेलर दिया जाए। स्टीरॉइड्स का इनहेलर वो लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल के, डायरेक्टली स्टीरॉइड्स का इनहेलर। अरे भाई, स्टीरॉइड्स का इनहेलर वहाँ पर यूज़ किया जाता था जब कोई दूसरी दवा काम नहीं करे। लेकिन अभी बच्चों को जन्म से लेकर उनका जो भी अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुआ स्टीरॉइड्स दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी उतना ही स्ट्रांग नहीं है कि वो कोई भी दवाई को एक्सेप्ट कर सके। कोई दवाई अभी असर नहीं कर रही है। सबसे पहले आप दवाई के चक्कर में पड़े, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा बच्चे का खान पान कैसा है। उसको जो आप फूड दे रहे हैं वो प्रोसेस्ड है कि नेचुरल है? घर में बनी कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं जो ईजिली डाइजेस्ट हो पाए, उसके लिए आपको प्रोसेस्ड फूड देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा हिम्मत करिए, थोड़ा हौसला रखिए, खुद बनाएं अपने बच्चों के लिए प्यार मोहब्बत से। वो आराम से खाएंगे, उसको कैसे बनाकर देना पड़ेगा, कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स है, आपको गूगल में मिल सकता है। नेचुरली हम कैसे बच्चों को फीड करें, चाहे वो फ्रूट्स के माध्यम से हो, चाहे वो नेचुरल खीर बना के हो, चाहे वो कोई भी हल्का सा दलिया बना के हो, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप उनको दे सकते हैं। दाल का पानी है वो, मतलब हल्की सी जो खीर है वो भी आप बना के दे सकते हैं। बहुत सारी अनगिनत आपको फूड्स रेसिपीज मिल जाएगी अगर आप गूगल में सर्च करेंगे छोटे बच्चों के लिए। लेकिन ये प्रोसेस्ड फूड देना सबसे पहले बंद करें। उसके बाद जब हम आते हैं दवाई की तरफ, होम्योपैथिक में ऐसा बहुत सारा दवाई है। सबसे अहम जो 3-4 दवाई है मैं आपको बता देता हूँ। अश्वगंधा एक बहुत ही बढ़िया है। अश्वगंधा क्यों? विथनिया सोमनीफेरा कहते हैं इसको। मदर टिंचर में आप 10 बूंद दिन में 2-3 बार आराम से दे सकते हैं। भूख ना लगना ये एक आम सी समस्या हो गई है। जितने भी सारे बच्चे खाना प्रॉपरली नहीं खाते या खाने को देखकर उल्टी के सेंसेशन फील होता है, उनको उल्टी कर देते हैं, तो उन सारे तमाम समस्याओं को कालमेघ का जो मदर टिंचर आता है, कालमेघ क्यू, बहुत ही बढ़िया काम करता है। आप उसको भी दे सकते हैं 10 बूंद दिन में 2-3 बार। अगर लीवर से जुड़ी कोई समस्या है, बच्चे को नियोनोटल जॉन्डिस हुआ था तो उसका लीवर वीक पड़ जाता है, वहाँ पर आप उसको चेलिडिनम क्यू दे सकते हैं 10 बूंद दिन में 2 बार करके कंटिन्यू 1-1.5 महीने तक, थोड़े 1 चम्मच पानी में मिलाकर। तो ऐसे बहुत सारे मदर टीचर से आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चा अगर पतला है, दुबला है, तो आप वहाँ पर उसको अल्फा अल्फा क्यू दे सकते हैं 10 बूंद दिन में 2-3 बार। ये उसके ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, उसके इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करेगा।
टैबलेट में आप कैलिफोस भी दे सकते हैं 6x या 3x में, दो टैबलेट दिन में दो बार करके, या फिर अविना सटेबा भी आप दे सकते हैं, उसका जो नर्व्स है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा वो। अगर उसका मेमोरी वीक है तो वहाँ पर आप उसको ब्राह्मी क्यू भी दे सकते हैं, वही 10 बूंद दिन में दो बार पानी में मिलाकर कंटिन्यू आप दे सकते हैं। तो ये कुछ अहम मदर टिंचर्स है जो उसके इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए आप दे सकते हैं। बिल्कुल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो कितने मदर टीचर्स की मैंने बात कही है, ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू, ग्रिंडिलिया क्यू, लोबेलिया, यूकेलिप्टस क्यू, आरोलिया रेसिमोसा क्यू, पोथोस क्यू अगर उसको डस्ट एलर्जी है। तो ये जितने भी मदर टीचर्स है सिम्टोमेटिकली आप उसको दे सकते हैं, उसका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी अच्छा होगा, उसका इम्यूनिटी भी बूस्टअप होगा। लेकिन उसको इनहेलर तुरंत स्टार्ट मत कीजिए, चाहे वो कितना सुपर स्पेशलिस्ट वाला डॉक्टर आपको क्यों ना कहे, इससे उसका कंडीशन सुधरेगा नहीं और भी बदतर हो जाएगा। लेकिन इमरजेंसी केस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अगर उसका जान को खतरा है तो आप दे सकते हैं, लेकिन प्रिफर करिए नॉन स्टेरॉयडल इनहेलर्स देने का। तो ये तो था आज बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टअप कैसे किया जाए, कुछ ट्रिक्स मैंने आपको कहा, आप ज़रूर फॉलो कीजिए, आप फायदे में रहेंगे और जितने भी बच्चे देश के भविष्य हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, और जो मेरे नए दोस्त हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, इस चैनल का ग्रोथ होगा और आपको नोटिफिकेशन भी जल्दी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।